Yes. Ma'am, dance class join karna tha. Okay, sit there. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, guys, once again we start. Play the music. What are you doing, guys? ये step दिया था मैंने. ऐसा करोगे क्या? दो दिन बाद performance है हमारा. जाओ वहाँ पर जाके खड़े रहो. I want the perfection right now. Play the music. फोटोज क्लिक कर रहा था. कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें. पीछे से कौन सा शूट होता है रे? हाँ भाई, मिरर फोटो क्लिक कर रहा था यार. अरे देखने से लोग पर लगता है. मैं ना इन जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. डांस क्लास में एडमिशन ही इसलिए लेते हैं ताकि अच्छी अच्छी लड़कियां पटा सके. इन्हें डांस क्लास को सीखना नहीं होता. नो मैम, हम लोग सच में डांस सीखने आए हैं. ओ रियली? डांस सीखने आए हो? यू नो व्हाट, क्लास की फीस कितनी है? 10,000 पर मंथ. भर पाओगे? ओ भाई, इधर ऐसे कैसे जाने देंगे? वीडियो बनाता है. हाँ, बुला लेगा अपना. भाई मैंने कुछ नहीं किया है. अबे बोला ना, फोन दिखा अपना. पासवर्ड लगा के रखा. खोल इसको. अरे फोन में देखने से क्या होगा, जब मैंने अपने आंखों से देखा है इसे वीडियो शूट करते हुए. साले भाई, फालतू गिरी करने आया था. लेके जा इसको. भाई मैंने कोई लड़की छेड़ता है. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना. अबे साले तेरी पूछ ना. उसे मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है. ए तू चुप कर, वरना तुझे भी दो चेहरा लगेगा. साले और रात से भाषा होता है, अब आगे बढ़ता है. जमीन पिला तुझे. और बेटा पता है ना पुलिस वाले कैसे डंडे देते हैं. लेके जा इसको. अबे चल फूकना. बहुत प्रैक्टिस हो गई, आज से मजे करने आए और मजे ही करेंगे. ये सब तुम्हारा वो व्हाटएवर यू वांट हो. यो यो, क्या खतरनाक है भाई. Nice.
अबे ये वही पपलू है ना कुछ दिन पहले मार खाया था। अरे हाँ ये तो वही है। अरे भाई 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 यहाँ पर हम काम करते हैं, प्लीज यहाँ पर कोई झगड़ा मत करो नहीं तो हमारा मैनेजर देख लेगा। उस दिन ना मन नहीं भरा मेरा तो वो कसर ना आज पूरी करने आया हूँ। मोबाइल देगा अपना। अबे बोला ना, फोन निकाल अपना। उसने उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड की पिक ली थी ना, रीट किया ना भाई। मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं ली थी। वैसे हॉट थी ना। प्रशिक चले आज हम कहीं और चलते हैं। साले गंदी नाली के कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत, उससे मेरी शादी होने वाली है और तुमने हिम्मत नहीं कैसे कि उसके साथ वीडियो बनाने की। हाथ मत उठाओ भाई प्लीज, लड़की है। क्यों, इन्होंने मुझे उस दिन पिटवाते वक्त एक बार भी सोचा था क्या? नहीं ना, उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ इनके डांस क्लास में एडमिशन करने गया था और इन्होंने क्या किया, मेरी औकात देखी, मेरे कपड़े, मेरे लुक देखकर मुझे जज किया। और क्या था, 10,000 फीस भरने की औकात नहीं है मेरी। अरे औकात है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन आपने बर्ताव कैसे किया मेरे दोस्त के साथ? वही अगर कोई ऋतिक रोशन जैसे रिच हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी वाला कोई आया होता तब तो आप उसके साथ ऐसा नहीं करते। आइंदा से किसी को उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से कभी जज मत करना। अरे उस दिन गलती भी तो तुम्हारी दोस्त की थी ना, ऐसा कौन वीडियो शूट करता है? सॉरी मैम, मैं आपको ये बात बताना भूल गया था। उस दिन जो क्लास में हुआ तब मैं क्लास से बाहर गया था, उसके बाद भाई। अबे ओए, अगर इसे हाथ भी लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बस इतना जानना है, तुमने सच में वीडियो शूट किया था क्या या अपनी पिक ले रहे थे? सुनील, तूने सच में वीडियो शूट की थी? लेकिन उस दिन जब मैं आपके डांस क्लास के अंदर आया तब मुझे पता चला जितनी अच्छी आप डांस टीचर हो उतनी ही खराब इंसान हो।
कोई एडमिशन नहीं है। अरे लेकिन और हाँ, एक बार मैं तो समझ जाता हूँ